सो गाइज बोर्डिंग पास मिल गया है. सो आपका सीट कौन सा है? हमारा 8E है. 8E, मेरा 8F है, मतलब बाजू बाजू में ही है. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन. दिस इज़ अंकित कनोजिया. अभी हम लोग निकल रहे बिश्केक के लिए. 3 दिन का ट्रिप होगा. टुडे इज़ लाइक 16 नवंबर एंड वी विल बी कमिंग बैक ऑन 19 नवंबर. सो ये 3 दिन की ट्रिप होगी ये. एंड अलॉन्ग विथ मी देर विल बी माई फ्रेंड राजन. हेलो, ये भी आ रहा है हमारे साथ. और पैकिंग अभी हो गया है. ये हैंड बैग है और लगेज एक ही है. इसी में दोनों का सामान ले लिया है मैंने. हो जाएगा काफी इतना. उसका कम सामान था, मेरा ज़्यादा सामान है, तो दोनों का उसी में एडजस्ट करके अभी हम निकल रहे हैं. एंड द टाइम इज़ नाउ 11:27 और हमारी फ्लाइट है 1:15 पे. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं टैक्सी करके एयरपोर्ट के लिए. एंड बाय द वे गाइज, ही इज़ नॉट कमिंग विद अस टुडे. पता नहीं क्यों, इसको बहुत बार बोला चलना साथ में, लेकिन आ नहीं रहे. अरे क्लास है यार. क्लास तो एक दो है, उसमें क्या होता है. तुम लोग जाना मतलब मेरे हम मैं भी आ गया, ऐसे ही मान ले. नहीं यार, आता तो मजा आता है. एक्चुअली वी हैव वी वेंट मेनी टाइम्स टू बिश्केक, बट फर्स्ट टाइम इज व्लॉगिंग. आज और नया सेटअप है अपना, ये वाला. हाँ, ये नया सेटअप रोज हाथ से करते हैं. आज हम लोग ने ये लगाया है, सेल्फी के लिए किया है. तो कीप सपोर्टिंग हिम, शेयर and like and subscribe. Okay, bye bye bye. Chal, we'll miss you yaar. Aata to maza aata hai. Miss you too bro. Bye bye. Rajan bhai, biscuit mein thand hai kya? Biscuit mein pani hai. Thand hai. Ha, thand hai. Ha, ye jacket mein kaam ho jayega na. Snowfall to nahi ho raha hai na? Nahi nahi, aapne chalo theek hai. Fir puche the apne dost ko. Ha, so guys, this is the hostel campus. और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, यहाँ से वहाँ से टैक्सी करेंगे. सो गाइज, वी आर इन द टैक्सी नाउ एंड वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट. इट विल टेक लाइक 15 to 20 minutes टू रीच एयरपोर्ट फ्रॉम हियर. सो आई विल सी यू वंस आई रीच द एयरपोर्ट. जस्ट रीच एयरपोर्ट एंड इट टुक हेल लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. हमको कम से कम 30 मिनट्स लग गए यहाँ पे पहुँचने के लिए, जबकि 15 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाते हैं हमेशा, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया. अभी चलते बोर्डिंग पास लेते, चेक इन करते, सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह करते. सो गाइज, बोर्डिंग पास मिल गया है. सो आपका सीट कौन सा है? हमारा 8E है. 8E, मेरा 8F है, मतलब बाजू बाजू में ही है. सो गाइज, चेक इन हैज़ बिन डन, बोर्डिंग पास ले लिया, सब कुछ हो गया है. नाउ वेटिंग फॉर द फ्लाइट. देखते कितना देर लगता है. मे बी इन 15-20 मिनट्स बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा.
then we will be leaving for the Bishkek. And ये जो vlog है वो ऐसे parts में आएगा, day 1, day 2, day 3 ऐसे आएगा ये, because हम लोग 3 दिन stay करेंगे, तो day 1, day 2, day 3 ऐसे vlogs आएंगे ये. So hope you will enjoy the vlogs. So guys, I forgot to tell you that which airline I am going through. I will be traveling with the Tej jet. By this airline I will be traveling to Bishkek. Guys, finally in the aircraft. Sahin bhai, yaar seat bhi bahut congested hai. Bahut congested hai. Itna chota hai. Itna bahut congested flight hai. Itna chota to flight hai. Ye dekh sakte hain aap log. Seats bhi kafi congested hai. Choti si seat hai ekdam. Aur row bhi zyada nahi hai. So flight experience itna khas nahi rahega shayad. Dekhte hain abhi upar jaane ke baad kaisa lagta hai. But nahi pahunche nahi baithe bane abhi. The flight will be like for 45 minutes. 45 minutes ke baad hum log pahunch jayenge. Now the time is 1 o'clock. So we will reach at like 1:45. We will be in the Bishkek. So see you at the Bishkek, guys. Guys, just landed in Bishkek. काफी smooth थी flight. कुछ turbulence वगैरह हुआ नहीं. मैं सोचा था कि turbulence होगा, लेकिन कोई turbulence नहीं हुआ. Flight जब उतर रही थी तब हल्का सा head pain हो रहा था ना. थोड़ा सा हल्का सा head pain हो रहा था. पता नहीं क्यों. सबको, राजन भाई को और हमारे साथ में एक और था, उसको भी हो रहा था. पता नहीं क्यों. पहली बार हुआ मुझे तो, कभी होता नहीं. अगर किसी को पता है reason कि क्यों होता है head pain, तो please comment करो. Knowledge थोड़ी बढ़ जाएगी. So now we are going outside. So guys, we are going to Bishkek center now. We are in the bus, Mashud ka, because taxi driver were asking like 600 soms and all, and jo ye Mashud ka hai, it will go in like 40-50 soms per person, so it's quite profitable. Mashud ka number is 380 number. Yeah, the Mashud ka number is 380 number, which will go from Bishkek airport to Bishkek center. So guys, we came to the one of the restaurant in the center of the Bishkek. अभी सेंटर में आने को हमको लाइक 45 मिनट्स लग गए मशहूर का से, तो काफ़ी भूख लग रही थी दोनों को. तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं यहाँ पे. इस रेस्टोरेंट से अभी कुछ लेंगे खाते, फिर सोचते हैं कि कहाँ जाना है. राजन का फ्रेंड भी एक है, वो पिकअप करने आ रहा है उसको, तो हम लोग दोनों वहाँ पे उसके फ्लैट में जाएंगे, अपना सामान रखेंगे, देन वी विल फ्रेशन अप एंड देन वी विल गो फॉर एक्सप्लोरिंग द बिश्केक सिटी. सो अभी खा के बात करता हूँ. Guys, we took one bistek and I took pastry plus coffee. Rajan bhai, ye kitne ka mila aapko? 45 soms, right? And these two, it cost me 80 soms. So guys, done with the food.
और अभी हम लोग जा रहे हैं कांत एक जगह है यहाँ पे किर्गिस्तान में जो बिश्केक से 22 किलोमीटर समथिंग है. सो वी आर गोइंग टू द बस स्टॉप नाउ. बस स्टॉप से कांत की बस पकड़ेंगे बिकॉज जो इसका फ्रेंड है वो कांत में रहता है, कांत यूनिवर्सिटी में पढ़ता है. सो यहाँ से अभी कांत जाना पड़ेगा हम लोग को. सो वही अभी शटल बस पकड़. सो गाइस वी रीच द बस स्टॉप. अभी यहाँ से 254 और 258 बस जाती है जो टूगीज ऐप जो है उससे पता पड़े हमको कि यहाँ से 254 और 258 जो बस है वो यहाँ से जाती है. सो वी आर वेटिंग फॉर द बस. यहाँ से बस आएगी तो फिर हमको यहाँ से फिर 22 किलोमीटर्स आगे लेके जाएगी वो. सो वी आर वेटिंग फॉर दैट. सो गाइस जो बस से जाने का जो डिसीजन था वो चेंज कर दिया क्योंकि राजन के फ्रेंड का कॉल आ गया था. वो बोला कि मैं एक 40 मिनट्स में यहाँ पे आ जाऊँगा तुम लोग को लेने के लिए. सो हम लोग बस नहीं पकड़े. हम लोग बस स्टॉप से अभी थोड़ा दूर आ गया है. ये कोई लेनिनिस्की करके कोई जगह है और पार्क की तरह है ये एरिया. आपको मैं दिखाता हूँ. सी एज यू कैन सी ये बहुत बड़ा पार्क है ये. सो अभी यहाँ वेट कर रहे हैं. उसका राजन का फ्रेंड आएगा फिर वो हमको पिकअप करेगा. देन हम लोग कान के लिए निकल जाएंगे उसके साथ. उसके पास कार है तो वो कार से आ रहा है हमको लेने के लिए. सो अभी देखते हैं वो आने का वेट करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे. टाइम काफ़ी हो गया है कुछ अराउंड लाइक 6 बजने वाला है अभी. तो मैंने सोचा था कि 3 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे कांत में, सेटलमेंट कर लेंगे और फिर घूमने आएंगे. लेकिन अभी प्लान चेंज करना पड़ेगा. अभी यहीं पे 6 बज गया है क्योंकि. सो अभी देखते शाम को नहीं निकलेंगे क्योंकि ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई है. बहुत ज़्यादा ठंड है बिश्केक में. तो अभी चलेंगे कांत. बैग रखेंगे, चेंज वेंज करेंगे थोड़ा और रेस्ट करेंगे आज के दिन क्योंकि काफ़ी थक गए हम लोग. तो कल के दिन से हम लोग शुरुआत करेंगे घूमने के लिए बिश्केक को. सो गाइस जैसे ही वो लेने आता है फिर हम लोग रूम पे पहुँचे तब मैं कंटिन्यू करता हूँ व्लॉग को रूम पे पहुँचने के बाद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे अभी. तब तक आप इस जगह का मज़ा लो. आपको मैं दिखाता हूँ सिनेमेटिक शॉट्स इस एरिया के. It's 7:41 and we finally reached in friend's flat. कल कहाँ कहाँ जाना है? बिश्केक पार्क घूमना है और वो जो मॉल है ओस मार्केट, ओस बाजार. बिश्केक पार्क देखेंगे और दो तीन मॉल है यहाँ पे, वेफा वगैरह वो सब, और ओश बाजार भी है और वो सोम मार्केट वगैरह. वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सस्ता मिलता है तो वो सब चेक करेंगे. सो यहाँ ये व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं आज का. सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो. होप यू गाइस लाइक द वीडियो. इफ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस इज अंकित कनौजिया साइनिंग ऑफ. टेक केयर. बाय बाय. व्लॉग में हाय बोल. बाल मिस कर रहा हूं तुम लोगों को यार. आ जाता यार, मजा आता. ब्लॉग को एंड करना. साइनिंग ऑफ अंकित कनौजिया.